देखो जैसे मान लिया मैंने जीपी ले ली है ना, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। देखो अब मैं इसके सारे टर्म में मान लीजिए के प्लस कर देता हूं, है ना, इसके सारे टर्म्स में मान लीजिए मैं के प्लस कर देता हूं, तो अब जो नई सीक्वेंस है क्या ये जीपी होगी, ये चेक करते हैं। देखो इनका कॉमन रेशियो निकालो, कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, इन दोनों का कॉमन रेशियो निकालो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, क्या बराबर आ रहे हैं? देखो नहीं आ रहे, तो मतलब ये नॉट ए जीपी। अब देखो नॉट ए जीपी का मतलब ये नहीं है कि कभी जीपी नहीं होगी, हो सकता कुछ केसेस में जीपी हो भी जाए, है ना। जब भी मैथ्स में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो नॉट का मतलब ऑलवेज नॉट नहीं होता, नॉट का मतलब होता है जनरली नॉट, मतलब अक्सर वो जीपी नहीं होगी। और हाँ अगर हम कोई स्पेशल केस ले लें तो हो सकता जीपी हो भी जाए, है ना। तो इसलिए मतलब जैसे मैंने कहा कि भाई के जोड़ने पर जो आएगा प्रोग्रेशन उसका जीपी होना जरूरी नहीं है, ऐसा कहा जाए, है ना। जीपी दिया गया था उसके सारे टर्म्स मैंने के जोड़ा, तो के जोड़ने पर जो आएगा उसका जीपी होना जरूरी नहीं है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए मैं के माइनस कर दूंगा सभी में, के से मतलब है कोई भी रियल नंबर, है ना, के से मतलब है कोई रियल नंबर, तो देखो इसका भी जीपी होना जरूरी नहीं है, है ना, इसका भी जीपी होना जरूरी नहीं है, है ना। तो के से मतलब कोई भी रियल नंबर। अब देखो जैसे मान लीजिए अगर मैंने इसी में, है ना, सब में के से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, अगर मान लीजिए मैंने इसी में सब में के से मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखो जैसे इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा आर, इसका भी कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा आर, इसका भी कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा आर, तो क्या हुआ देखो, अब मैंने सब में अगर के से मल्टीप्लाई किया तो ये जो प्रोग्रेशन आ रही है देखो ये एक जीपी है कंफर्म। अगर मैं सब में के से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये जीपी आ रही है। इसी प्रकार अगर मैं सब में के से डिवाइड कर दूं, अगर मैं सब में के से मान लीजिए डिवाइड कर दूं तो देखो क्या होगा, इन दोनों का अगर हम कॉमन रेशियो निकालें तो आर आएगा, इन दोनों का कॉमन रेशियो निकालेंगे देखो फिर भी आर आएगा, तो देखो ये भी एक जीपी है। तो मतलब जब आप कुछ प्लस करोगे माइनस करोगे तो उसका जीपी होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें कॉमन रेशियो का मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो का मतलब सेकेंड टर्म थर्ड टर्म अपॉन, है ना, ऐसे करके, है ना, कॉमन रेशियो का मतलब होता है सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, जैसे कॉमन डिफरेंस का मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस सेकेंड, कुछ भी, ठीक है ना। यहां पर भी देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो आ रहेगा, इसको इससे डिवाइड करोगे फिर आ रहेगा, तो कॉमन रेशियो बराबर आ रहा है, और कॉमन रेशियो सेम आने का मतलब ये है जीपी है। तो जब आप के प्लस माइनस करोगे तो उसका जीपी होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप के से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो जो प्रोग्रेशन आएगी वो जीपी होगी, ये बात कंफर्म है, है ना। तो एपी हमने देखा कि प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो वो एपी होगी, लेकिन देखो जीपी में ऐसा नहीं हो रहा, है ना, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये अब ये बातें याद नहीं करनी है, ये जब भी जरूरत पड़े तो इनको ऐसे करके देखना है, ऐसे इतनी सारी प्रॉपर्टीज हम याद नहीं कर सकते, जरूरत पड़ने पर इसको इस तरीके से हम चेक करेंगे, ठीक है। लिखो जरा ध्यान से बच्चों,